नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। और किस्सा कुर्सी का यह सफर आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ शहर नवाबों का, लखनऊ शहर सियासी ख्वाबों का और लखनऊ शहर कबाब का। सियासी ख्वाबों का इसलिए क्योंकि हर सियासी लोग लखनऊ की सियासत में अपनी धमक चाहते हैं और यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। और जैसे ही लखनऊ की सियासत में वो कब्जा करते हैं, तुरंत दिल्ली का ख्वाब देखने लगते हैं। और इस बार हम लखनऊ में खड़े हैं तो लखनऊ से चर्चा शुरू करें, उससे पहले आज हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ खास चार मेहमान होंगे इस पूरे आधे घंटे के शो के दौरान। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब है, प्रदेश महासचिव है। दूसरे नंबर पर रीता बहुरा जोशी है, लखनऊ कैंट से विधायक है और इसके साथ ही कांग्रेस की लखनऊ से प्रत्याशी है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी होंगे, बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन। और चौथे नंबर पर हमारे साथ बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री और इस बार बीएसपी से प्रत्याशी नकुल दुबे साहब। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले हम पहले मेहमानों से पूछ लेते हैं कि इस बार का सियासी रसूख क्या है। सीपी राय साहब, लास्ट वक्त में कैंडिडेट बदल दिया, क्या राजनाथ सिंह के आने से डर गए? डरने का काम समाजवादी पार्टी में नहीं होता। समाजवादी पार्टी डरने वालों की पार्टी नहीं है, ये तो एक रणनीति का हिस्सा होता है। हमने एक नौजवान प्रत्याशी उतारा है, एमबीए को पढ़ाता था वो आईआईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, वहां का प्रोफेसर रहा है, चुनाव जीता है, मंत्री है, नए इरादे हैं, नई राजनीति है। हम इस लखनऊ को एक नई राजनीति देना चाहते हैं। काबिलियत पर शक था जो नहीं, अभिषेक मिश्रा अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी की काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं और अशोक वाजपेयी जी को उससे भी महत्वपूर्ण स्थान पर हम लोग ले जाने वाले हैं। चलिए, अशोक वाजपेयी को उससे भी महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाएंगे। हालांकि तीन साल इस सरकार में भी इनके बाकी है। रीता जी, पिछली बार भी चुनाव में थी, कड़ी टक्कर दी थी, इस बार समय से घोषणा भी हो गई है, दावेदार बहुत मजबूत है सामने, लगता है इस बार जीत की माला आपके गले पहनाई जाएगी? देखिए, पिछले तीन चार चुनाव से लगातार लखनऊ का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है और करण सिंह जी बहुत देर से उतरे थे, कम वोटों से हारे। मैं बहुत देर से उतरी, कम वोटों से हारी। इस बार तो बड़ा अच्छा कैंपेन हुआ है और ये एक बहुत ही कांटे की टक्कर है और कांग्रेस पार्टी अगर आज पोल करा दीजिए तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है। तीसरे पर बात करें, सुधांशु त्रिवेदी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में है, गाजियाबाद चुनावी क्षेत्र छोड़कर लखनऊ पर दाव लगाया है, बहुत सारे विरोध भी हुए हैं, अटल जी का गमछा लेकर आए हैं, कल्याण होगा गमछे से? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चारों पार्टियां लखनऊ में चुनाव लड़ रही हैं, सब अपने अपने कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। जहां कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट है कि देश भर में हार चुकी है, इसलिए वो एक अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सपा और बसपा जैसी पार्टियां अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं और कुछ नई पार्टियां आई हैं जो सिर्फ अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसलिए हमें लखनऊ की मतदाता के विवेक पर पूरा भरोसा है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए एक भारी जनादेश देंगे। चलिए, हालांकि सरकार बनाने के लिए आप लड़ रहे हैं ये वक्त तय करेगा। नकुल दुबे साहब, लड़ाई में ऐसा कहा जा रहा है तीन ब्राह्मण कैंडिडेट आ गए हैं, आप कहां अपने आप को पाते हैं? जगह बन पाएगी, कुछ बच पाएगा सियासी रसूख? पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, सब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 12 का कार्यकाल देखा है, सबके दिमाग में ये बात है कि कांग्रेस और बीजेपी ने 50 सालों में इस देश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। हम लोग एक बार चाहते हैं कि परिवर्तन के माध्यम से इस देश में एक नई क्रांति ला करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था उसको साकार करें और इस देश में गैर बराबरी समाप्त करके सबको बराबरी पर ला करके इस देश का उत्थान करें। पांच साल में आप बराबरी ला नहीं पाए, केंद्र की सत्ता में कैसे लाएंगे? पांच साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी बराबरी हम लोगों ने ला करके दिखा दिया कि अम्बेडकर मूर्ति बन गई, काशीराम पार्क बन गया, इको पार्क बन गया, इससे बराबरी आ जाएगी। आप भी देखिए, यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको भी यही स्थान अच्छा लगा क्योंकि यह स्थान अच्छा है। आज उत्तर प्रदेश का जन जन कह रहा है कि वास्तव में उत्तर अच्छा हो गया। चलिए, बीएसपी मानती है कि विकास इन्होंने किया, जनता के पास चलते हैं और जनता के सीधे सवाल उनके सियासी लोगों से कि क्या लखनऊ की इस बार की जनता सोचती है और उनका नफा नुकसान और उनकी उम्मीदें क्या है। आप पेशे से वकील हैं, क्या लगता है लखनऊ किस तरफ जा रहा है और कितनी उम्मीद है इस बार लखनऊ के कैंडिडेट से? देखिए, जो लखनऊ के कैंडिडेट से उम्मीद है, सबसे पहले तो स्वच्छता की उम्मीद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्ति की होनी चाहिए और ये वो काबिलियत होनी चाहिए कि समाज के सभी लोगों को एक साथ लेके चले। मंच पर खड़े जो चारों गेस्ट हैं, मैं उनमें से जो सपा के हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके जो मुखिया हैं वो रेपिस्ट को बेचारा, उनकी हमदर्दी की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहिए देश का? रीता जी खड़ी है आपकी पार्टी करके सवाल लेते हैं, एक एक करके। सीपी राय साहब, नेताजी ने तो कह दिया लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए, लगता है ऐसे प्रदेश चलेगा, ऐसे देश चलेगा, ऐसे प्रधानमंत्री जो भाषण से संवेदनशील मामले को, भाषण के नेताजी के बारे में सारे लोग जानते हैं, माया त्यागी का कांड हुआ था और 6 महीने तक जेल में रहे थे उस बलात्कार के खिलाफ।
उसके अलावा उनके इलाके में कांड हुआ था, 3.5 महीने जेल में रहे थे बलात्कार के खिलाफ। हमारी बेटियां उनका कल और उनके बेटियों की चिंता अगर कोई करता है तो नेताजी करते हैं। इस देश के रक्षा मंत्री के रूप में वो यह सिद्ध कर चुके हैं कि देश की चुनौतियां कैसे स्वीकार की जाती हैं और देश के दुश्मन को कैसे ललकारा जाता है। उनके समय सीमा से एक भी कटी हुई लाश नहीं आई। और ये जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि आइए मुद्दों पर बात करें, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं हाथ काटने की बात करते हैं, कहीं हमको पाकिस्तान भेज देने की बात करते हैं और कहीं कुछ लोगों के घर पर पत्थर फेंकने की बात करते हैं। आप सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल कर रहा था। मैं तो बलात्कार कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लड़कों से गलती करने माफी ने क्या इस प्रदेश की महिलाएं उन पर बलात्कार होता रहेगा और उनको माफ कर दिया जाएगा? उन्होंने सिर्फ यह कहा, अभी एक 75 साल के बुजुर्ग को 3 दिन लग गए मुलायम सिंह, अभी एक 75 साल के बुजुर्ग को कन्विक्ट किया गया है, अभी 75 साल के बुजुर्ग को कन्विक्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारे दहेज एक्ट के मामले में खुद सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से कहा है इस कानून पर पुनर्विचार करिए क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि देखना किसी गलत आदमी को फांसी लगा। आप मानते हैं कि सफाई दे दी है, लिहाजा ये बात खत्म हो जाती है। और भी सवाल ले लेते हैं, आप बताइए क्या लगता है आपको, किससे सवाल है आपका? हमारा सवाल भाजपा से है कि वो जो मोदी मॉडल कर रहे हैं कि भाई मोदी ने गुजरात में विकास किया और कल एक नदी NDTV पर आ रहा था, एक नदी का पूरा वो कर रहे थे तो वहाँ पूरे पता लगा पशु वहाँ नदी में बह रहे हैं, तो किस तरह का विकास होगा ये बतावे कि किस तरह का विकास करेंगे। गुजरात मॉडल कैसा होगा, कैसा विकास होगा? सुधांशु जी आपसे सीधा सवाल। देखिए आंकड़ों को लेकर और दावे और प्रतिदावों को लेकर अनेक प्रकार के तर्क हो सकते हैं, हर व्यक्ति अपना व्यू रखने को स्वतंत्र। मैं सिर्फ 3 उदाहरण देता हूं, वो ऐसे उदाहरण जो गुजरात और मोदी जी के कटु आलोचक हैं। केंद्र सरकार जो इंदिरा गांधी जी का 20-पॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम था उसके लिए हर साल रैंकिंग जारी करती थी, 2010 के बाद रैंकिंग बंद कर दी क्योंकि लगातार भाजपा शासित राज्य नंबर वन आते थे। आखिरी बार प्लानिंग कमीशन के डाटा के अनुसार 2010 में गुजरात बन आया था नंबर वन। 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने, जिसकी अध्यक्षा स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उसने गुजरात की तारीफ की। 2011 में वो अमेरिका जो कहा जाता है कि वीजा नहीं दे रहा मोदी जी को, यद्यपि उन्होंने वीजा कभी मांगा नहीं था, उसकी संसद की रिपोर्ट ने यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने 2011 में गुजरात के मॉडल की प्रशंसा की। 3 कटु आलोचकों द्वारा की गई प्रशंसा अपने आप में यह प्रमाण है कि आपकी सरकार चुनाव लड़ रही है इनके खिलाफ, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आपके ये है, आप ही की सरकार को सर्टिफिकेट दे रही है। कैसा मॉडल, आपका मॉडल सही माना जाए, इनका मॉडल सही माना जाए? योग्य प्रवक्ता हैं, बात को घुमाते अच्छे से। जो भी रेटिंग बनती है वो अलग अलग विषयों पे बनती है। आप इनसे ये पूछिए मानव विकास सूचांक में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कुपोषण में, महिला स्वास्थ्य में इनका प्रदेश का, ये पूछिए रोजगार में इनका प्रदेश का। अभी गुजरात में 5,000 जगह निकली, 13 लाख एप्लीकेशन आई हैं। आप कहते मैं बेरोजगारी देश की दूर करूंगा, 7 करोड़ तो संभल नहीं रहे आपसे, आप 120 करोड़ संभालने की बात कर रहे हैं। 7 करोड़ आपसे संभलते नहीं है, आप 120 करोड़ संभालने की बात कर रहे हैं। कुछ और युवाओं के पास चलते हैं, सवाल है, आप बताइए आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल सुधांशु यादव जी से है, सनो त्रिवेदी जी से है। आज मैंने मैसेज पढ़ा आज अपने मोबाइल में, उसमें लिखा हुआ था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो राजनाथ सिंह को हराना है, इसमें कहां तक सच्चाई है सर? बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, एक नया नारा, ये नया नारा पूरे लखनऊ में चल रहा है, मैंने भी 3 दिन से सुना हुआ है कि अगर मोदी को PM बनाना है तो लखनऊ से राजनाथ को हराना है। ये सच है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि हमारे विरोधी प्रत्यक्ष लड़ाई में अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए इस प्रकार के दुष्प्रचार का प्रयोग करके वो जनता का मत बदलना चाहते हैं परंतु वो इसमें सफल नहीं होते। अच्छा, लड़ाई आप मानते हैं कि लड़ाई सब लोग हार मान चुके हैं, आप मान रहे हैं? ऐसा है कि किराए की मशीन लेकर के उसे फूल भरवा करके ऊपर छिड़कवा करके अगर कोई यहाँ से शासन बन रहा होता तो बहुत आसानी से बन जाते। यहाँ के जन जन को याद है, जन जन को मालूम है कि गाजियाबाद के लोगों के साथ कौन सा छलावा हुआ था। लखनऊ वाले छलावा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे और खास मेहमान है क्योंकि हमने स्टूडियो में लखनऊ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया था, उसके साथ ही एक IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर भी हमारे साथ, उनकी पत्नी भी सुदन ठाकुर साहब भी हैं, मैम भी हैं। सर जिस तरह का राजनीतिक परिवेश है अभी, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसको देखकर क्या सवाल मन में आता है? लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है और लखनऊ सही दिशा में बढ़ रहा है? धन्यवाद। देखिए मेरा जो भी प्रत्याशी होगा, क्योंकि मैं पुलिस विभाग से हूं, मैं चाहूंगा कि अगर वो संसद में जाते हैं और पुलिस रिफॉर्म को लेकर कुछ भी सक्रियता दिखा पाते हैं अपने 5 सालों में तो मैं समझूंगा कि लखनऊ के लिए और पूरे देश के लिए उनका एक बड़ा काम हुआ है। मैं नहीं जानता उनकी प्राथमिकता में यह पुलिस रिफॉर्म कहां आता है,
लेकिन देश की जरूरत है, मुझे विश्वास है कि शायद उस दिशा में भी कुछ सोचेंगे। पुलिस रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, मैम आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज जिस तरह से चल रहा है, लखनऊ के जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट की जा रही है और जिस तरह से बीजेपी यहां पर काबिज रही है 5 बारों से, आपको लगता है कि परिवर्तन का वक्त आ गया है? लखनऊ विकास मांगता है, परिवर्तन चाहता है, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए, पार्टी बदलनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो परिवर्तन जरूरी है, लेकिन हमें जो यहाँ लखनऊ से जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उन्हें भी देखना है, और उनसे मेरा सवाल है कि वो लखनऊ के लिए, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं होते हैं और उनको मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर करती हैं क्योंकि वो वोट देने नहीं जाते हैं, उनका एजेंडा बच्चों को लेके क्या होगा? कानून कई सारे बच्चों को लेके बने हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही शून्य है, उस दिशा में क्या करें? बच्चों को लेकर कानून क्या होगा? सीपी राय साहब और रीता जोशी जी, सबसे पहले मैम आप, क्योंकि आप केंद्र की सत्ता में 10 साल से काबिज है, सबसे ज्यादा शासन आपने इस देश में किया है। सबसे ज्यादा मद्देनजर किसी ने रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रखा, शिक्षा का अधिकार कानून हम ही ने दिया, और हमारा ही प्रयास है कि चाइल्ड लेबर खत्म हो, हमारे प्रयास है कि बच्चों के ऊपर जो सेक्शुअल हैरेसमेंट होती है, असॉल्ट होता है, उसके लिए सख्त कानून भरी और बना गए। देखिए दिक्कत कहाँ है, दिक्कत सचमुच जैसे ठीक कह रही है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में, चार्जशीट फाइल होना, तहकीकात होना, कहीं कमजोर कर देना गवाहों को, फिर ले आना उसको कोर्ट में इतना ढीला डालना कि तो गवाह टूट जाए। तो यहाँ सबको काम करना है, यहाँ पॉलिटिशियंस को करना है, लेजिस्लेट करें, पुलिस को करना है जिन्होंने कहा रिफॉर्म कि वो त्वरित और सही तरीके से चार्जशीट फाइल करें, केस की तहकीकात करें और फिर जज लोग जल्दी सुनवाई करें। तो जुडिशियल रिफॉर्म भी चाहिए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। और सबसे बड़ी बात, एक हम लोगों का जो सोशल थिंकिंग है, समाज की जो सोच है, इसको बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक दिन सब बोलते हैं। चलिए आप एक दिन इंसान बदलने सब बोलते हैं। मैं सीपी राय साहब, सीपी राय साहब आप स्टेट में सत्ता में हैं, आप केंद्र में सत्ता हैं, आप जो बात कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं? मैं दोनों सहमत हूँ, पुलिस रिफॉर्म से भी सहमत हूँ। पुलिस रिफॉर्म की बात बहुत पहले उससे हो रही है, बहुत पहले उसका एक कमीशन बना था जिसने पुलिस रिफॉर्म के बारे में तमाम सूझ दी थी, लेकिन वो होना चाहिए और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग बदले, पुलिस का सिस्टम बदले, जीपीएस सिस्टम लगाने जा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा कंट्रोल रूम बनाया कानपुर में, जानते होंगे ठाकुर साहब, और वो पूरे प्रदेश में हम लोग करने जा रहे हैं। पुलिस का सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी, रीता जोशी जी और सीपी राय, नहीं ये लोग बड़ा शानदार पुलिस रिफॉर्म करेंगे, उनके शासन में दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों को मारा जाता है। अपने मैनिफेस्टो में 15% आरक्षण संप्रदाय के आधार पर देने का ये दावा कर रहे हैं, और उनकी सरकार केंद्र में है तो सबसे पहले आके आतंकवाद विरोधी कानून को ध्वस्त करती है, पुलिस वालों को भेज देती है जान के जोखिम में, जाके लड़ो जाके बेटा। तो इस ढंग के लोग जो हैं वो पुलिस रिफॉर्म की बात करें तो बड़ा बुनियादी सवाल है, जब आधार चुनाव बीत जाता है तो एक नया मैनिफेस्टो जारी होता है, कहा जाता है कि हम जो दलित है उनको अलग से आरक्षण देंगे, माइनॉरिटी है उसको ओबीसी के कोटे से आरक्षण देंगे, तो क्या आरक्षण के भरोसे अब राजनीति चलेगी? अभी अभी इनसे पूछिए, एंटी टेररिस्ट लॉ में जो संशोधन प्रपोज किए गए थे 6 महीने 8 महीने पहले, हर चीज चुनाव से लिंक करके रोकते क्यों है ये लोग? क्यों नहीं अभी जो हम लोगों का था कि दंगा विरोधी विधेयक बने जिसमें सबकी जिम्मेदारी पिन डाउन हो, आपने कहा ये तो अटैक है ऑन द स्टेट ऑटोनॉमी, ये तो सब्जेक्ट स्टेट का है लॉ एंड ऑर्डर। सवाल ये है कि अगर कोई भी अच्छा कानून बनाने की बात होती है तो आपने जैसे कहा पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, तो यही तो कोशिश है कि जो नेता है उनकी दखलंदाजी कम हो, कोई दंगा कोई अपराध बिना नेताओं के और अधिकारियों के संरक्षण के नहीं हो सकता, और दोनों को लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार का संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता है। सीपी राय साहब, कानून व्यवस्था की हालत किसी से छुपी नहीं हुई है, आप उत्तर प्रदेश संभालने पाते हैं, दिल्ली की गद्दी का सपना देखते हैं, कानून व्यवस्था की हालत इसलिए नहीं छुपी हुई है कि 22 करोड़ लोग इस प्रदेश में रहते हैं, रोज करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, करोड़ों महिलाएं अपने काम के लिए निकलती हैं, करोड़ों व्यक्ति अपने खेत में जाते हैं और व्यापार करने निकलते हैं, वो करोड़ों लोग निकल रहे हैं और आ और जा रहे हैं, ये खाली एक लोग पंगा लगा दिया है। नंबर दो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वाजपेयी जी और आ और जा रहे हैं, ये खाली एक लोग पंगा लगा दिया है। नंबर दो,
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वाजपेयी जी एक भी घटना शर्मनाक है, एक भी घटना शर्मनाक है। 2012 के बीच में यही प्रदेश था, सरकार थी, यही जनता थी, यही पुलिस प्रशासन था, सब कुछ यही था, लेकिन पूरे प्रदेश में एक घटना घट जाती है। जहाँ तीन सीएमओ इसी शहर में मारे गए थे, जहाँ तीन सीएमओ इसी शहर में मारे गए, जितना अपराध जहाँ औरैया में एक इंजीनियर को मारा गया, यही शहर है जहाँ तीन सीएमओ मारे गए थे। चौबे जी हम बहुत सारी जनता है, बहुत देर से हमारा इंतजार कर रही है, दोनों कंपनी बहुत सारे उनके सवाल है, बहुत सारे जवाब है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे जी? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे है कि एक तरफ तो आप मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की, मुलायम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, जन प्रतिनिधित्व नियम के तहत एक व्यक्ति को कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उसी की धारा 70 के तहत एक ही सीट रखने का अधिकार है। अगर दो जगह से ये लोग पर्चा भर रहे हैं, एक जगह से चुनाव जीतेंगे तो दूसरी जगह की जनता का क्या होगा, और जो खर्च आएगा उसका जनता पे क्या असर पड़ेगा? एक बुनियादी सवाल है, इसका जवाब लेंगे। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हमारे साथ आए हैं, बहुत सारी बच्चियां भी हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए क्या सवाल है आपका? देश के 68 इंडिपेंडेंस ईयर्स के बाद हमने अपने देश को कितना लोकतंत्र पाया है? मेरा सवाल सबसे है ये। इन चारों कैंडिडेट से एक बच्ची का सवाल है, कितना लोकतांत्रिक हुआ हमारा देश? आपको लगता है देश जिस दिशा में बढ़ रहा है वो सही दिशा में जा रहा है? सुधांशु जी, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आस्था बढ़ी है, दलों की आस्था खत्म हुई है। ये तीनों दल बैठे हुए हैं यहाँ, बताइए कोई सोच सकता है कि अध्यक्ष निर्वाचित होगा? पहले से निर्धारित है व्यक्ति या परिवार का ही होगा। यहाँ के दलों की शैली में लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र चुनाव से पहले कर सकते, लोकतंत्र में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है, सांसद चुनता है अपना प्रधानमंत्री, पहले से नहीं चुना जाता। आप बताइए, आपको कोई सवाल है? एक मिनट भाई, कुछ और लोगों से। हाँ, आप बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनका कहना है। अरे आप तो फोटो नहीं लगा सकते मायावती जी के बगल में? उनका सपा वाले कभी लगा सकते हैं? गाजियाबाद वोट मत दीजिए, गाजियाबाद में काम नहीं आया, इसलिए सुधांशु जी बुनियादी सवाल यही है, आखिर गाजियाबाद छोड़ने की वजह क्या थी? गाजियाबाद छोड़ने, अगर वहाँ काम हुआ था, दिल्ली के करीब थे आप, जो दिल्ली के करीब है उसको छोड़ के लखनऊ आने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? वो आप वापस जा रहे हैं। ऐसा है कि जब हमारे बड़े नेता लड़ते हैं तो रणनीति के तहत लड़ते हैं। हमारे दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा मजबूत क्षेत्र है, 2009 में हम पार्टी कमजोर थी, आज हम उभरती हुई पार्टी है। मध्य और पूरब उत्तर प्रदेश हमारे छोड़ करके भाग आए हैं, मोदी जी को और मध्य से राजनाथ जी को लड़ाने का एक सर्जिक निर्णय हुआ है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं नवीन शर्मा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि जो मोदी जी का एक अपना फंडा चल रहा है कि वो हर जगह अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोगों के प्रति उनकी क्या मंशा है? अभी बोले हैं ये सुधांशु, बार बार सारे सवाल बीजेपी से आ रहे हैं, हालांकि मैं एक रिएक्शन कांग्रेस से ले लेता हूं। मैम, कांग्रेस कहती है कि अगर मैं, मोदी जी कहते हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कि मैं एक बार वाराणसी गया तो मुसलमानों को मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन जब चुनाव होता है तो 80 की 80 सीटों में से एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं, ये कैसा लोकतंत्र है? पहले मैं उस बच्ची की बात का जवाब दूंगी कि हम कितना डेमोक्रेटिक हुए। सवाल एक, इन्होंने एक उंगली उठाई है बाकी पार्टियों पर, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ दो सवाल। पहला ये कि क्या हुआ था गोवा में, सारी पार्टी कह रही थी कि अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा संविधान कहता है कि जब चुन के सदस्य आते हैं तब वो अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, तो मोदी जी ने कहा अभी चुनो, नहीं तो मैं चला, सब डर के मारे चुन दिए। अब ये कहते हैं हम लोकतांत्रिक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, हमारा लोकतंत्र, हमारा लोकतंर तीन बातों पे आधारित है। सुधांशु जी, मुझे अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे 30 सेकंड चाहिए, मुझे कैसे चुने गए, कैसे चुने गए? सुधांशु जी, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और तीसरी बात, और इनकी डेमोक्रेसी, अडवाणी जी, इसका मतलब लड़ाई है बीजेपी वर्सेस अडवाणी। आप नहीं, क्या सुधांशु जी से एक बात जानना चाहते हैं हम लोग? आप बोलिए, देन दाव नहीं, सबके सामने विपिन जी बता दिया जाए, जनता ये चाहती है कि 20 साल के लिए, हालांकि हम लखनऊ में खड़े हैं और लखनऊ नवाबों का शहर है, हमारे साथ कुछ और गेस्ट हैं, एक नवाब मीर जाफर जो लखनऊ के सबसे पुराने नवाबों में से एक है, उनका एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं।
सर अगर इनकी फुल देर हो गई आपको आने में, तो लेकिन लखनऊ के चुनाव को लेकर नवाब लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपको? मंजूर है कि हम तीन लोग पाकिस्तान में कुछ रिएक्शन लेते हैं? सीपी राय साहब एक मिनट, सीपी राय साहब एक मिनट एक सवाल, सीपी राय साहब एक सवाल इधर से, सीपी राय साहब लखनऊ के लोगों को कि हम तीन लोगों को पाकिस्तान भेज देंगे, तो ये चाहते हैं उसको रीता बहुड़ा लखनऊ को देखो पाकिस्तान भेज देंगे अगर इनकी सरकार बनेगी, क्या ये मंजूर है आपको? एक अच्छा चुनाव हो, एक अच्छा कैंडिडेट जो कि जो लखनऊ के लिए, हमारे स्टेट के लिए और हमारी कंट्री के लिए मुफीद हो, उसका यहाँ के ऊपर हम लोग उसको जिताएं। और जिस तरह से आजकल इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है कि ये पर्सनलाइज्ड हैं, ये कॉमनलाइज्ड हैं। इस बार के चुनाव पर्सनलाइज कॉमनलाइज हो रहा है। बहुत सारे हमारे साथ लोग थे, आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, हमें अपना प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।